और नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करने जाना के बाद में कड़ी चावल खाने जाना तो और क्या, नाश्ता मुक जाना फिर उन्होंने कड़ी चावल खाने शुरू कर देना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वक्त पर बज रहे हैं दिन के 9 और हमारा प्लान बना है नाश्ते का। और ज़ैनब इधर आके ज़रा दिखाओ। हेलो। ये रेडी हो चुकी है और फातिमा को बड़ी मुश्किल से उठाया और रबिया इज स्टिल स्लीपिंग। पता नहीं ये क्या समझती अपने आप को, कॉलेज के लिए उठ जाती है और आज ब्रेकफास्ट करने जाना है तो ये उठ नहीं रही है। इसको भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दोबारा बोलो, मैं यही वीडियो पापा को जाके दिखाती हूँ। देखो नहीं करना हलवा, ये पक्का आपकी क्या आइडिया है सारे? क्यों नाश्ते इतनी सुबह सुबह नहीं होते बहना? तो और नाश्ता रात के 6 बजे होता है। जो 5 बजे नाश्ता करने का मजा वो कभी का नहीं आता। शाम के 5 बजे जी, ना लंच ना डिनर ना वो कुछ भी नहीं, वो स्नैक टाइम होता है जिस वक्त नाश्ता करते हैं। सुबह 9 बजे कौन नाश्ता करता है, कौन पागल? उठ जाओ, शाबाश। पापा क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, हम तो रेडी हो गए हैं, आप क्यों रेडी हुए? मैं आपने मैं साथ देखने नाश्ते का कहा है, मुझे रेडी क्यों कि मैं नाश्ता नहीं करना। आप नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसलिए आपने हमें लेके जाना है। आपने एक जगह सजेस्ट की थी, आज देखते ना आप हमें कहाँ लेके जाते हैं। कहाँ जाना? आपने खुद कहा था एक अच्छी जगह जहाँ पे देसी नाश्ता मिलता है। सोच कहीं तो कहीं जाएंगे ना, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। बस हो गया रेडी सारे? वो सिर्फ फातिमा और राबिया तो उठ गई थी, लेकिन फातिमा रह गई। चले फिर हम तैयारी पर हैं। चले हम तो निकलने लगे हैं, पापा जो हैं वो रेडी हुए। आप अब जल्दी से आके ना एक दफा जरा बच्चों को कर दें कि उठ जाएं, ताकि वो सब आर्मी नीचे इकट्ठी, सिस्ट्रोलॉजी आर्मी नीचे आ जाए पूरी। ओके। और ये लड़की जो है वो तैयार होके बैठ गई है फुल। अब जरा मैं इनको जरा नींद में उठाया पापा। और नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करने जाना के बाद में कड़ी चावल खाने जाना तो और क्या, नाश्ता मुक जाना फिर उन्होंने कड़ी चावल खाने शुरू कर देना। उठ जा। एक और बच्चा आ रहा है अभी और ये तो फुल नींद में है। चलो बेटा नाश्ता। नींद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़, मैंने कहा था। जब मुझे उठाती थी तुम जल्दी जल्दी, याद है तुम्हें? इसी व्लॉग में होती थी मैं भी, लोगों गवाह रहना ये ऐसे मुझे वो देखो। कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ सोना अच्छा लगता। चलो पापा कह रहे हैं चलो, ये तो बड़ा मुश्किल से आ रही है। ये तो बहुत ही मुश्किल से आ रही है, मतलब अब नाश्ते का टाइम है लेकिन इनकी सेल्फीज यहाँ पे चालू है। हीरा बात सुनो, हीरा हीरा बात सुनो, इधर आओ, पीछे मुड़ो, जरा पीछे मुड़ो, इसका टैग अंदर करो। हाँ ये कॉलर सीधा करो इसका, उल्टा। मैंने कॉलर बनाया हुआ है ना, मुझे टैग नजर आ रहा, मुझे टैग नजर आ रहा, वो अजीब लग रहा है। दूसरा वाला टैग है, वो पैसों वाला थोड़ी है। बोलर बनाया वाला, लेकिन बैन ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं तो जा रही हूँ, ये लोग अभी, मैं और पापा जो हैं वो आज इसलिए मैं आगे नहीं बैठूंगी क्योंकि मेरी मॉम बैठेंगी। ठीक है, जब गेट बंद करने की ड्यूटी आ गई है इनकी, मेरी मॉम अपनी चीज़ें समेटते हुए दूर से मैं इनकी फुटेज बनाते हुए इनकी। आपकी कैब कहाँ है? डैडी हीरो बनते हुए और ये बड़ा प्यारा गाना लगते हुए। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन सोचा था कोई ढाबा शाबा होगा लेकिन ये तो कोई इंग्लिश ढाबा है। और चलें जी, हम इंग्लिश बाहर भी सिटिंग है लेकिन यू नो हल्की आंच पे गर्मी है, हल्की आंच। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे और मेरी बहनें पहले से ही जगह लेके बैठी हुई हैं। जस्ट लुक सब अपने अपने ख्वाब खरगोश पे मशगूल हैं।
अच्छा जी, मैं यहाँ बैठूंगी। आई हुई है लगता है ये दोनों जो है ये फुल इस वक्त नींद में है। नंबर वन नंबर टू इनको कोई ना, ये कहते हैं ना वो गाना इनके लिए बना, ना छेड़ में लंगा नो मस्तिष्क दे मारे हंसी नींद दे मारे ऐसा होते हैं ऐसे उठकर। ठीक है अब हम अगर आज डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है। मेरी मम्मी फुल अपने कैबिन में। अच्छा जी, सो आप लोग डिसाइड कर रहे हैं देसी, तो ये लोग कभी आप भी कोई सजेशन दे जल्दी जल्दी जल्दी। मैं भी नींद में ये कौन सी नहीं। तो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया पापा ने, मेन्यू बताया हलवा पूरी देसी नाश्ता लस्सी के बाद आपको पता हम जाके क्या करने वाले हैं, सिर्फ सोने वाले लस्सी मंगवाई ही इसीलिए है कि हम घर जाके आराम से सो सकें। लस्सी को कहा जाता है देसी भांग व्हिच इज वेरी गुड फॉर योर बोन्स एज वेल, लेकिन जिंदगी में लस्सी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज पूरी की भी बताइएगा। पूरी की फादियत ये है कि जिंदगी में जब आपके ब्रेड खा के पराठे पुराठे खा के पूरी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर आपने क्या करना। मुझे कभी भी पूरी की डेफिशिएंसी स्पेशल जूम कैमरा और कैमरा मैन इकरा कमल के साथ आपके साथ हाजिर हुई। जी आप क्या फरमाना चाहती हैं? खाना फरमाना नहीं, आपने कुछ बोलना था पूरी के बारे में, आपकी क्या राय जनाब? पूरी सेहतमंद होती है क्योंकि ऑयल होता है पूरी सेहतमंद होती है क्योंकि उसमें ऑयल होता है। नहीं जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा पानी मोटा होना है ना, अगर किसी को मोटा होना है तो वो पूरी खा ले। नहीं नहीं, और नान वगैरह भी खा सकता है, वो बहुत जल्दी मोटा हो जाए। 5 दिन में वही चीजें खाता रहेगा ना वो, और नहीं खान तो कुछ भी नहीं खाए। बस तुझे फिर हमने 10% खाने पूरी आप क्या खाने आई हो? कुछ मुझे तो भूख ही नहीं लगी तो मुझे कोई भूख नहीं लगी। क्यों सुबह सुबह किसको भूख लगती है? 5 बजे लगनी चाहिए, 5 बजे राबिया को सिर्फ 5 बजे भूख लगती है। अच्छी बात है, ठीक है उसका अपना टाइम है, तुम्हें कोई मसला है? नींद चाहिए। हाँ तो किसी के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कर रहा है इस वक्त मैं गाना गाऊं, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा क्योंकि खाना ही नहीं आया अब तो वाकई में। हाँ हाँ नाश्ता ही नहीं आया अब तो, दिल कर रहा है कि फटाफट नाश्ता आए और कुछ पेट पूजा करें। फाइनली नाश्ता आ गया है, ये है मेरा थाल जिसको कहते हैं थाल था 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 थाल, जिसमें पूरी है, अचार है, हलवा है, और ये क्या है दही है शायद, ये चने हैं, और ये आलू की तरकारी काइंड कुछ लग रहा है, लेकिन ये क्या हो सकता है ये तो खा के ही पता चलेगा है ना। तो ये वो थाल है जिसपे अब हमें पड़ना है टूट टूट। चलो राबिया खाना खाओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा भूख लगी थी ठीक है नाश्ता करो। आलू की तरकारी है ये, हमने कराची में खाई थी। कराची वालों हाजिरी लगवाओ, ऐसा नाश्ता कैसा होता है? लाहौर में हम खा रहे हैं, आप लोग वहाँ खा रहे हैं, ये सब अपनी अपनी मसरूफियत के साथ। जी तो यहाँ से अभी हमें और आना है, मेरी मॉम को एक्स्ट्रा भूख लगी हुई थी, और ये हमारी जो है वो फूली 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 कहते हैं कि जिसकी पूरी के अंदर ये होता है ना मोटा ऐसे, उसको भूख बड़ी लगती है, तो ये हमने सुना था। तो ये तुम्हारी नहीं है, ये मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे वाकई लगी है, क्योंकि मैं कब से अखियाँ उड़ीकलियाँ कर रही हूँ। चलो कैमरा मैन इकरा कमल को दीजिए इजाज़त थोड़ी देर के लिए, पेट पूजा करके हाजिर होते हैं। ये लड़कियों ने नाश्ते को इग्नोर करते हुए अपना फोटोशूट को फुल इम्पोर्टेंस देते हुए वेरी नाइस, पर जैनब को सबसे ज़्यादा माना। ये शर्ट बहुत अच्छी है, कहाँ से ली जाती है? तो शूट टाइमिंग क्या होगा, बजट क्या? प्लेट्स का हाल दिखाती हूँ सारी प्लेट्स का हाल देखे हैं, और सबसे नीट प्लेट मेरी मॉम की है उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ये लड़की सोचो मैं मोमो के खा रही है, तो वो तो भूख नहीं लगी थी अब लग गई थी, ये कैसी बात होती है खाओ खाओ कुछ नहीं, लोगों ने तो मैं टाइपिंग करो। पापा और जैनब खा रहे हैं, मैं और हिरा खा रही हैं, हम देखें अच्छे बच्चों की तरह नीट एंड क्लीन खाते हुए, ये दोनों खा रही हैं और मेरी मॉम सिर्फ अकेली। ऐसे पूछना क्या इस प्लेट में से सबसे फेवरेट क्या है तुम्हारा? सिर्फ चने, उसके बाद हलवा, उसके बाद दही, आखिर तरकारी अच्छी नहीं लगी मुझे बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट लस्सी? लस्सी अभी आई नहीं है, ठीक है बताऊँगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कहते लाहौरी नाश्ता बड़ा मशहूर है, लाहौरी नाश्ता बड़ा मशहूर है, लेकिन मुझे कराची का नाश्ता ज़्यादा मज़े का लगा।
कराची के नाश्ते की बात ही और। मैंने जब ये वहाँ खाया था ना चने और आलू की तरकारी, बहुत मज़े की थी। हाँ यहाँ की पूरी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑयल फ्री है, मतलब इतनी भी ऑयल फ्री नहीं है, मतलब यू कैन मसाज। फाइनली ये शाही जाम आ गए इन शाही लोगों के लिए। तुम पिक्चर अपनी बाद में ले लेना, पहले सब ने सब मेरी मम्मी को भी अब एक्सपीरियंस हो गया, चलो बेटा पिक्चर लो। टाइम आ गया, हर बंदा एक दूसरे को देख के कह रहा है ये ख़त्म कर दो, लेकिन मैं वाहिद लड़की हूँ जिसने अभी तक शुरू ही नहीं किया। पापा का सिर्फ ख़त्म हो गया, बाकी सब जो है ना वो अपना अपना बांट रहे हैं। इतना कोई तो कोई दुआई नहीं असर करती बेटा जितना लस्सी ने तुम्हें असर किया। ये कौन सी लस्सी थी जो भाई रहते हैं उनकी जल्दी खत्म हो गई, इंस्टेंट इंस्टेंट। ऐसा ठीक हो रहा है, ऐसा किस किस के साथ होता है कि खाने पे जाओ और वहाँ पे आपकी अम्मी को आपकी प्लेट खाली करनी पड़े? मेरे साथ तो बचपन से हो रहा है और अभी भी देखिए मैं ब्लॉग के बहाने जरा ब्रेक पे हूँ। तुम कौन से नशे में चले गए हो यार? वापस आओ, वापस आपको वापस वापस शावर। नशे में हम रहे हैं ये समा नशीला है, पानी भी पीते हैं तो लगता है टकीला है। लस्सी भी पीते हैं तो लगता जैसे टकीला है। मैं देख रहा हूँ जिस नसीब पी रहा जगह देखो जरा कैसे सो बैठा हूँ। मम्मी व्हाट हैपेंड? आंखों से भी पानी आ गया इतनी कि हिराक और मम्मा को लस्सी ज़्यादा ही नहीं रिएक्ट कर गई। ओए ओए अल्लाह लस्सी पी ली। मुझे चाय से नींद आती है, लस्सी से नींद आती है, लस्सी से उठता रहता हूँ बेटा। लस्सी से कह रही मुझे लस्सी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देसी से फर्क नहीं पड़ता, पर इससे सबको फर्क पड़ता है। हाँ पकड़ो पी लो बस, इसकी तो बस हो गई, लेकिन मेरी अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ज़्यादा। मम्मा उसको कह रही है ज़्यादा पी लो ताकि नींद ज़्यादा आएगी। राबिया राबिया देख लो तुम्हारी शान क्या बनी हुई है। लस्सी नहीं डाल रही लस्सी की ओके एक मिनट दिखाओ 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 काटना नहीं। पापा की वो बैग बना रहे पापू उसकी हेल्प में ये सब नहीं हीरू की हेल्प से पिक्चर लेते हैं पापा का शूट चलेगा और यकीन करें हमारे फोन में पापा की इतनी पिक्चर्स हैं इतनी पिक्चर्स हैं लेकिन उनके पास कोई उनको कोई देता ही नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरी पिक्चर्स मुझे ही नहीं मिलती हैं। जल्दी खत्म करो क्या नहीं लाइट जा रही हो कब से ना उतने लग कर मत करना उल्टो में लग के देने ना कितनी हो गई शाही जाम मेरा स्ट्रॉ के साथ ये कौन सा जाम ना मेरा स्ट्रॉ नीचे से फंस गया है तो अब हम लोग जाने लगे हैं घर। हेलो आप कह रहे हो कि चुप करके पियो। चलो सारे उठने लगे हैं मैं लग जाती हूँ चुपचाप पियो बल्कि सब की खत्म करो। तो आओ जल्दी जल्दी उठो बच्चों कम ऑन जब गाड़ी में बैठेंगे तो अभी खाएंगे। खाने के बाद तुम्हारी कोई एक्टिवेशन हुई है कि तुम्हारी जिंदगी इसी तरह मामूली है? मुझे नशे की नींद नहीं आ रही है क्या बात है? घर जा के आएंगे यस सारे डरबे में पूरे डर में पूरे आ गए और अब हम जाकर सोएंगे मस्ती करेंगे। सो के कौन सी मस्ती होती है? सो कर ही तो अच्छा लगता है। आज के पूरे ब्लॉग में हमने क्या सीखा है कि नींद से कभी उठना नहीं खुलता। कुछ भी बोलती है ये लड़की, लेकिन मेरा मानना ये है कि अपने आप को सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। थोड़े नहीं सुबह उठते सबसे पहले अल्लाह तौबा करें
जिंदगी में अपनी सबसे मेन चीज़ है, मैं तो करती हूँ आजकल, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ. और उसके बाद जो है वो नाश्ता करने, अगर वो नहीं करना आपने तो आप सो जाएं, लेकिन कोशिश करें क्योंकि सुबह की जो रेज होती है ना बड़ी अच्छी होती है बॉडी के लिए. पापा अच्छे से और इसको इसकी वीडियो के चक्रों में मेरी गोद के ऊपर बिठाया है. टांग बेटा मेरी 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 टांग है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पांच बहनें पूरी कैसे आती हैं, तो अब आपको समझ आ गई है कि पूरी कैसे आती है. भाई ऊपर से नाश्ता करके सब पोटे हुए हैं. एक सेकंड अब हमें साइलेंट रहने का हुक्म है. उसकी वीडियो बन रही है. फाइनली घर पहुंच गया. नींद आ रही बहुत ज्यादा. मुझे और एस्ट्रोलॉजी गैंग को दीजिए इजाजत. अपना रखिए. बाय बाय.